गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह से ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था और मैं आपको बता दूं मेरे घर के बिल्कुल साथ में ना मार्केट नहीं है, तो पहले मैंने सोचा कि खुद ही बना लूं, पर यार इतना काम कौन करे, मन नहीं था, बहुत लेजी सा फील हो रहा था। तभी बाहर से साउंड आने लगी पों पों करके, तो बाहर जाके देखा तो बाइक पे भैया ने बहुत ही अच्छे से सेटअप बनाया था, जिसमें भैया ने गोलगप्पे और बर्गर बनाने की पूरी तैयारी करके रखी थी। मैंने भी भैया को बोल दिया भैया चटपटे से गोलगप्पे खिला दो और एक बर्गर बना के तैयार कर दो। तो देखिए भैया ने कितना अच्छे से इंतजाम करके रखा हुआ है बाइक पे, भैया ने करछी पैन हर चीज रखे है यार अपनी बाइक पे ही। देखिए भैया ने कैसे बाउल में गोलगप्पे देकर खिलाना स्टार्ट कर दिया और मैं खाती गई, भैया बनाते गए मैं खाती गई। जैसे गोलगप्पे बनाना बंद हुए मैंने जितने खाने थे खाए, उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया अब मुझे जल्दी से बर्गर भी बना देना। भैया ने बोला तुझे किस बात की जल्दी है, तू आराम से पहले ये गोलगप्पे खा और फिर मैं अपना बर्गर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो भैया मुझे अभी भी गोलगप्पे खिला रहे थे और मैं खा रही थी। अब भैया इतने अच्छे गोलगप्पे बना रहे थे ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खाना बंद करूं। तो अब भैया ने स्टार्ट कर दी अपनी बर्गर बनाने की प्रोसेस। तो देखिए भैया कितने अच्छे से मिक्स करके अपने बर्गर की प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं, सारे चने प्याज टमाटर सॉसेस। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह से ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था और मैं आपको बता दूं मेरे घर के बिल्कुल साथ में ना मार्केट नहीं है, तो पहले मैंने सोचा कि खुद ही बना लूं, पर यार इतना काम कौन करे, मन नहीं था, बहुत लेजी सा फील हो रहा था। तभी बाहर से साउंड आने लगी पों पों करके, तो बाहर जाके देखा तो बाइक पे भैया ने बहुत ही अच्छे से सेटअप बनाया था, जिसमें भैया ने गोलगप्पे और बर्गर बनाने की पूरी तैयारी करके रखी थी। मैंने भी भैया को बोल दिया भैया चटपटे से गोलगप्पे खिला दो और एक बर्गर बना के तैयार कर दो। तो देखिए भैया ने कितना अच्छे से इंतजाम करके रखा हुआ है बाइक पे, भैया ने करछी पैन हर चीज रखे है यार अपनी बाइक पे ही। देखिए भैया ने कैसे बाउल में गोलगप्पे देकर खिलाना स्टार्ट कर दिया और मैं खाती गई, भैया बनाते गए मैं खाती गई। जैसे गोलगप्पे बनाना बंद हुए मैंने जितने खाने थे खाए, उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया अब मुझे जल्दी से बर्गर भी बना देना। भैया ने बोला तुझे किस बात की जल्दी है, तू आराम से पहले ये गोलगप्पे खा और फिर मैं अपना बर्गर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो भैया मुझे अभी भी गोलगप्पे खिला रहे थे और मैं खा रही थी। अब भैया इतने अच्छे गोलगप्पे बना रहे थे ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खाना बंद करूं। तो अब भैया ने स्टार्ट कर दी अपनी बर्गर बनाने की प्रोसेस। तो देखिए भैया कितने अच्छे से मिक्स करके अपने बर्गर की प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं, सारे चने प्याज टमाटर सॉसेस वगैरह ऐड किए थे, अब ब्रेड निकाल रहे हैं भैया। देखिए मतलब भैया बड़े अच्छे से पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो ये भैया ने ब्रेड निकाली, अब भैया इसको कट करेंगे। ये देखिए भैया ने कट किया, वेट कर रही हूँ कि कब जैसे भैया इस बर्गर को मेरे हाथ में दे। तो भैया बोल रहे हैं वेट कर बेटा वेट कर। तो अभी भैया मेरे लिए बर्गर बना रहे हैं और मैं उनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी यार। मुझे तो भैया का सेटअप इतना अच्छा लगा ना, आप भी देखिए गाइस अच्छे से भैया ने सब सेट किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मेरा बर्गर तैयार हो गया जाए, तब तक आप प्लीज एक छोटा सा लाइक छोटा सा सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अभी हाथ में आ गया।